सभी को मैं नवनीत गौतम नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और जिसमें आपकी यूनिट चल रही है डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? यानी जो कणों का समूह है उसके लिए हम गतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, डायनेमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। डायनेमिक्स मैंने बताया था फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप मोशन की स्टडी करते हो और साथ में मोशन करते हुए पार्टिकल पर जो फोर्सेस लगते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है, स्टडी की जाती है। तो आइए इसके अंतर्गत एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए थे वो आपने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये नियम क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। इस नियम को क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको क्या करना है उसका कंजर्वेशन करना है, उसको बचा के रखना है, ठीक है, उसका संरक्षण से संबंधित नियम है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर है? तो देखो ये नियम जो है, ये रूल जो है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा अलग तरीके से है क्योंकि अब आप इसे पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स से लिंक करके, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यानी संरक्षी और असंरक्षी बल मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, आपको पता है इसके बारे में भाई, के क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और यू क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का जो सम है ना उसे ही आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं और उसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो यहाँ पे ई है इसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और के क्या है, गतिज ऊर्जा है जिसे आप क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है यू, जिसे आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? चलो तो देखो ये लॉ क्या कहता है, लॉ यही कहता है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है ना संरक्षित बल के अंतर्गत वो कैसे रहता है, नियत रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो देखो दोनों का सम है तो मैं लिख देता हूँ इसका स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट, क्योंकि इस ये जो लॉ है ना आपका इसे हमें प्रूफ करना है और इसका स्टेटमेंट भी देना है। तो स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट यानी कथन, कथन बोलते हैं हिंदी में। तो देखो क्या हो जाएगा, द सम, सम समझते हैं योग, है ना, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। और क्या है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना। तो द सम ऑफ, सम मानी योग एक तरीके से जोड़ना, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का जो सम है ना वो कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, लेकिन कब, जब पार्टिकल किस फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर, है ना, जब जो कण है वो संरक्षी बल के अंतर्गत गति करता है तो तब है केवल बात, है ना। तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अंडर किस फोर्स के अंडर, अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर है, अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जब कोई पार्टिकल मोशन करता है किसके अंडर, किसके अंतर्गत, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में, है ना। तो जो सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का वो कैसा रहता है, रिमेंस मानी रहता है, और कैसा रहता है, सेम कह सकते हो या कॉन्स्टेंट कह सकते हो,
ठीक है, ये दोनों का सम कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा। और ये जो कॉन्स्टेंट आता है ना, यानी दैट इज के प्लस यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। के प्लस यू क्या होता है, कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। के क्या है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, और ये स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का जो सम है वो कॉन्स्टेंट होता है, और इस कॉन्स्टेंट को ही क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के, ठीक है। तो आप लिख देंगे दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इस कॉन्स्टेंट को ही क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको, चलो ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, मैंने रफ कर दिया है ये। तो आप स्टेटमेंट को है ना नोट कर लेना, बाकी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, तो ध्यान देना। अब क्या करेंगे, इसका प्रूफ यानी सत्यापन, ठीक है। प्रूफ करते हैं इस प्रिंसिपल को या इस लॉ को, प्रिंसिपल भी आप कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं, रूल भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, लॉ यानी नियम, और रूल भी क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। चलो तो देखो, आप एक काम करेंगे, यहाँ से मान के चलेंगे ना। देखो कोई एक पार्टिकल है, मान लो ये है आपका ओरिजिन, मूल बिंदु, और एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, और इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, मान लो एक्स वन, ठीक है जी, कितनी है एक्स वन। और जो दूसरी पोजीशन है भाई, वो मोशन कर रहा है, तो ए से कहाँ पहुँच जाएगा, बी पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जो बी की पोजीशन है या जो बी की डिस्टेंस है मान लो कितनी है, एक्स टू, ठीक है, मोशन कर रहा है। मोशन के दौरान जो ए पर उसकी वेलोसिटी है वो मान लो वी वन है, और जो बी पर वेलोसिटी है वो कितनी है, वी टू है। वेलोसिटी यानी वेव, ठीक है, पोजीशन यानी स्थिति या दूरी, क्लियर है यहाँ तक। तो जब वो पॉइंट ए पर था तब उसकी पोजीशन या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से कितनी थी, एक्स वन, लेकिन वो मोशन कर रहा है तो आगे चलेगा, कहाँ पहुँच गया, ए से बी पर, तो उसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से कितनी हो गई, ओ, मतलब वो एक्स टू। और पॉइंट ए पर जो उसकी वेलोसिटी है वी वन है, और पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी हो गई, वी टू, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आ रहा है। और ये जो मोशन कर रहा है ना, एक फोर्स के अंडर कर रहा है, और उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, मतलब ये जो बात है, ये वाला प्रिंसिपल कब फॉलो होता है, जब फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यानी ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में कर रहा है, ठीक है जी। चले आगे, और मान लो ये जो पार्टिकल है इसका मास कितना है, एम, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, लैंग्वेज तो लिखने की लिख ही देंगे आप लोग, है ना, क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम, एक कण है द्रव्यमान एम का। तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग, यानी मोशन कर रहा है ना, चल रहा है, गति कर रहा है, इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, क्लियर है, इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, और ऐसे कह सकते हो फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, भाई एक्स वन से कितना कहाँ तक चल रहा है, एक्स टू चल रहा है, ठीक है। चलो, और ये भी आप लिख सकते हैं, द इनिश द वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज वी वन एंड द वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज वी टू, क्लियर है। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उन्हें भी धीरे धीरे एडजस्ट होने लगा होगा, है ना, इंग्लिश में वो भी कंफर्टेबल होने लगे होंगे, ठीक है। चलो, तो लैंग्वेज तो आप इसकी लिख सकते हैं आराम से, है ना, आप ट्वेल्थ में ये लैंग्वेज लिखने के क्रम में सीखी चीज़ें सीख चुके होंगे, तो अब धीरे धीरे लैंग्वेज लिखना सीखो, है ना, जैसे डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल वही तो लिखना है कन्वर्ट करके, और इतनी इंग्लिश तो सब जानते हैं, सेंटेंस इतने तो सभी जानते हैं ना। चलो देखो, बिना इंग्लिश के कुछ नहीं है संसार में, आप कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो विद्वता की जो मानक है ना, वो अंग्रेजी मानी जाती है। तो हर क्षेत्र में प्रवीण बनो, है ना, हर क्षेत्र में योग्य बनो, किसी भी क्षेत्र को छोड़ना थोड़ी ना है, हर क्षेत्र में अपने झंडे लहराओ। चले आगे, चलो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो, तो ये डायग्राम जो है इसकी लैंग्वेज आप लिख लेंगे, और आप देखो डेरिवेशन करते हैं। एक थ्योरम होती है, आपने इलेवेंथ में पढ़ी हो तो, उसका नाम था वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, उसे बोलते हैं वर्क यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय की हेल्प लेंगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ क्या है, कुछ याद हो तो आपके, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय याद है आपके, वर्क एनर्जी थ्योरम,
तो ये क्या होता है, देखो W इक्वल्स टू क्या होती है ना, वर्क एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी रहती है यहाँ पे। तो यानी जो वर्क डन है ना, जो किया गया कार्य है, वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में चेंज के बराबर होता है, ठीक है ना। तो W और W आप जानते हो, W क्या होता है, W वर्क डन होता है, किया गया कार्य होता है, और उसका आपको फॉर्मूला बताया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स लग रहा है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स F मान लो। तो देखो क्या हो जाएगा, एक बात और, A से B तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लो कितना हो रहा है, dx, ठीक है। तो देखियो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और इंटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट dx है, फोर्स कितना है, F है। और आपको पता है x1 से कहाँ तक चल रहा है, x2, तो ये तो स्मॉल के लिए है ना, कंप्लीट के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे ना, समाकलन। और आप देखो x1 से कहाँ तक चल रहा है पार्टिकल, x2 तक, यानी पहले x1 डिस्टेंस पर था, अब कहाँ चला गया, x2 डिस्टेंस पर। तो यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 टू x2। यहाँ पे dx लिखा हुआ है, यानी लिमिट x की लेनी है, यानी डिस्टेंस की लेनी है, दूरी की लेनी लिमिट है ना, तो x1 टू x2 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर डेल्टा के, ठीक है, डेल्टा के हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ पे k2 है, और यहाँ पे इनिशियल है ना कितनी है मान लो k1, इनिशियल यानी प्रारंभिक, फाइनल यानी अंतिम। तो k2 माइनस k1, और आपको पता है k का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलो देखो इधर कर देता हूँ, ज़्यादा नीचे का देखेगा नहीं, तो k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, सबको पता है फॉर्मूला। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x1 टू x2, और ये f dx, और ये बराबर देखो k2, यानी पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी, तो पॉइंट B पर वेलोसिटी है V2, तो क्या हो जाएगा, हाफ, और मास तो सेम रहेगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है भाई। पार्टिकल का मास तो सेम रहेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है कि पॉइंट A पर उसका मास अलग है, B पर अलग है, ठीक है, मास सेम रहेगा, और माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है जी, हाफ एम वी वन स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि के वन है, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया। चलो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आपको क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट। आओ आगे, देन है ना, देन फ्रॉम, अब एक फॉर्मूला आप जानते हो, जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहाँ एक बार बताओ आप मुझे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी पहले K1 थी और बाद में कितनी हो गई, K2 हो गई। अभी हमें ये नहीं पता कि वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, और हमें इस बारे में जानने का प्रयास करना भी नहीं है, लेकिन चेंज तो हो रही है ना भाई, पहले वेलोसिटी V1 थी, अब V2 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी पहले K1 थी, अब K2 हो गई, ठीक है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, वेलोसिटी पर, वेलोसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है ना, वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, पता है ना आपको ये। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो क्या बोलेंगे, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई है, बात क्लियर है यहाँ तक आपको। तो आप एक बताओ मुझे, दोनों का सम जो है हमें प्रूफ करना है, ये बात आप जानते भी हो, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से एक बात आपको पता भी है भाई, दोनों का सम कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, तो कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है उतनी। देखो मैं उदाहरण से समझाता हूँ, मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी 10 थी और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो देखियो अब धीरे धीरे मान लो स्पीड कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी 8 रह जाएगी और ये 2 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे और स्पीड कम हो रही है, 6 रह जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखो यहाँ भी 10, दोनों का सेम, वो जो सम है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो दोनों का जो सम है वो तो कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है ना, ये घट रही है तो ये बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घटती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एनर्जी बढ़ाते हैं तो दूसरी एनर्जी घट जाती है, क्योंकि दोनों का सम कैसा है, कॉन्स्टेंट रहता है, ये बात हमें सिद्ध कर दी है, ठीक है जी। तो आप एक बार बताओ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी घट जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जितनी घटेगी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, काइनेटिक एनर्जी में जितनी कमी होगी है ना, बता दिया मैंने, एक में जितना परिवर्तन होगा दूसरे में भी उतना ही परिवर्तन होगा, अंतर सिर्फ इतना है कि एक में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि होगी, एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में कमी होगी, ठीक है। तो चेंज इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, वो चेंज क्यों हो रहा है भाई,
चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल मोशन कर रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वर्क डन हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आपको ये तो पता ही है वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है ना यहाँ, तो वर्क डन यहाँ पर किसके बराबर लेना है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के। भाई मान लो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट ए यू वन थी, और मान लो एट पॉइंट बी वो कितनी हो गई यू टू, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ ना। तो ये जो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन जो आप कर रहे हो वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है ना। यानी वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, देखो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो भी तो पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के। और देखो W, जो W है ना, W का फॉर्मूला आप जानते हो, देखो उधर लिखा है, ठीक है दिख रहा है ना आपको। चलो तो देखो W जो है ना, W तो आप जानते हो, क्लियर है। बाकी यदि ये ना भी लगा हुआ फॉर्मूला तो आप एक फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट भी लिखवा रखा है। देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको लिख के बता दूँ, मैं ये लिखवाया था मैंने, है ना, जीरो टू एक्स है ना, या आर हो, देखो लिमिट क्या हो, है ना। और यहाँ क्या होता है, ये लिमिट ना भी हो तो क्या होता है, एफ डी एक्स या एफ डी आर, ये वाला फॉर्मूला था या नहीं, ठीक है। यहाँ का दिख रहा है आपको, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला था, आपको दिख नहीं रहा है ना, अब दिखा है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है यू बराबर किसके होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रल वेक्टर एफ इंटू डी आर। तो यही वाला फॉर्मूला लगा लो, लेकिन यहाँ यू की जगह क्या है, डेल्टा यू, और ये किसके बराबर जाएगा, है ना, माइनस ऑफ एफ इंटू डी आर। लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, है ना, ये तो भाई जनरल है तीनों डायमेंशन के लिए, एक्स वाई जेड, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, डी एक्स, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहे हैं यहाँ पे, एफ इंटू डी एक्स। और माइनस, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ये फॉर्मूला आपको पता है इतना, लेकिन यहाँ यू के प्लेस पर डेल्टा यू आ रहा है। अब आप एक बताओ लिमिट क्या आएगी, x1 टू x2, क्योंकि जो पार्टिकल है x1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, x2 तक, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये फॉर्मूला मैंने लिखवा भी रखा है, पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में देखना है ना, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में जो रिलेशन था वो इसी टाइप का था लगभग, है ना। चलो तो एक बार बताओ डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यू टू माइनस यू वन। अब एक बताओ यू टू माइनस यू वन और बराबर ये माइनस जो है इसका इधर ले आऊँ, इधर लिख लिया, तो क्या बचेगा, एक्स वन टू एक्स टू और एफ इंटू डी एक्स, क्लियर है। देखो इसकी वैल्यू जो है ये रही, नहीं ये रही, है ना, इसकी वैल्यू ये रही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है आप रख दो यहाँ पे, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यू वन को पहले लिख लो, यू वन माइनस यू टू, और बराबर इसकी वैल्यू रखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, क्या है, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, ये तो आ जाएगा जी। ये वैल्यू कहाँ से रखी है आपने, इसकी फ्रॉम फर्स्ट, तो आप साइड में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब एक काम करो, वन वन वाले एक तरफ कर लो, टू टू वाले एक तरफ, तो ये वन वाला इस तरफ ले आओ। तो देखो हाफ एम v1 स्क्वायर, ठीक है जी, और u1 तो इधर है ही, और बराबर में क्या बचा आपका, हाफ एम वी टू स्क्वायर, और ये यू टू माइनस का इधर आएगा तो प्लस का यू टू हो जाएगा, ठीक है जी, दिख रहा है आपको यहाँ तक। चलो यहाँ तक समझ में आया आपको, तो ये जो है ना इसका मतलब है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ, तो इसका मतलब इसके बाद देखो यहाँ हाफ एम v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, k1, और ये प्लस क्या है, u1, और ये क्या है, k2, और ये क्या है, u2। तो देखो k1 प्लस u1 यानी शुरुआत में पॉइंट ए पर दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो बराबर आ रहा है पॉइंट बी पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है। इसका मतलब है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, और उस कॉन्स्टेंट को ही क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि k प्लस यू जो है वो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, k प्लस यू कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट,
और हाँ इस कांस्टेंट को आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, और किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो प्रूफ हो गया नहीं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव, समझाया ना इससे कैसे लिखा है। अरे शुरुआत में इनिशियली पॉइंट ए पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जितना था पॉइंट बी पर, यानी बाद में भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम उतना ही है, तो इसका मतलब है के प्लस यू का जो सम है वो कॉन्स्टेंट रहता है हमेशा। यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, क्लियर है। तो के प्लस यू जो है कॉन्स्टेंट होता है, और कॉन्स्टेंट को उसे ई कहते हैं, और ई यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है, देखो अब ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, या आप ये ऐसे कह सकते हो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी जो है अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। भाई के प्लस यू ई के बराबर है और के प्लस यू कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब है ई कैसा है, कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब है जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी पार्टिकल की कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत वो हमेशा कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, क्लियर है। तो हैंस करके आप लिख सकते हैं, हैंस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अंडर कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी जो कण की यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षी बल के अंतर्गत हमेशा कैसी रहती है, नियत रहती है, ठीक है। तो हैंस प्रूव हो गया, यही तो स्टेटमेंट था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कैसे रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, यही तो स्टेटमेंट था, और वो कॉन्स्टेंट हमने प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कर लेंगे इसे, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से कर लेना, ये इसका स्टेटमेंट था और प्रूफ था, मैंने दोनों आपको करके बताए हैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, सुंदर सुंदर से, बिल्कुल अपनी तरह, और साथ में लर्न करते चलें साथ के साथ, तो ताकि आपको आगे है ना एक बर्डन फील ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।